नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ गरिमा भारती। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आज मुंगेर के टाउन हॉल पहुंचे थे। वहां पर वो समझो समझाओ देश बचाओ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें वो NRC और CA को लेकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। जरा इस वीडियो में सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो देश की जो आर्थिक स्थिति है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, गांव में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई तो बिल्कुल चौपट है, तो यह जो सवाल हमारे सामने है, आज आवश्यकता इस बात की थी कि इन सवालों पर बैठकर चर्चा होती, बिहार की सरकार, भारत की सरकार इन विषयों पर चर्चा करके इसका निदान निकालने का काम लोग करते, इसका निदान लोग नहीं निकाल रहे हैं और नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बात जनता के सामने ला दो कि जनता भूल जाए, और कोई मतलब नहीं NPR NRC CA का लाने का, और कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो मौलिक सवाल है वहां से आपका ध्यान अलग चला जाए, और इसीलिए इस तरह की स्थिति बनी है। और इसीलिए यह जो CAA NRC NPR है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते, या जो CAA NRC NPR है, बहुत सचेत और सजग रहने की जरूरत है। यह विषय ऐसा विषय है जिस विषय पर अगर अभी हम गंभीर नहीं हुए तो देश के सामने बहुत ही बुरा दिन आ जाएगा, और देश के सामने जो बुरा दिन आएगा, BJP के लोग, JDU के लोग तो घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, समाज में नफरत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहने आया कि जो स्थिति लोग लाना चाहते हैं, अगर वह स्थिति आ गई तो सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, तमाम गरीब लोग, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, दलित महाधन पिछड़ा के पिछड़ा, सब लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान। तो सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पर साफ तौर पर NRC और CA को लेकर लोगों को तो समझाया ही है, खास करके सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा और रोजगार को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों पर चर्चा ना होकर CA और NRC जैसे मुद्दों को लाकर सरकार जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। ये आग सरकार ने खुद लगाई है, जिसको लेकर आम जनता मुद्दों से भटक जाए। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।